वालेकुम जी होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में हूँ तो आज की सुबह हुई है हमारी कैवे के साथ मैंने मरियम परवेज की वीडियो देखी थी वेट लॉस कैवे वाली तो मैंने सोचा कि यार जब सारी दुनिया ट्राई कर रही है तो मैं क्यों ना ट्राई और आज जी मेरा इस कहवे का जो था वो डे टू था मतलब मुझे दो दिन हो गए हैं इसको यूज करते हुए मॉर्निंग में भी पीना होता है और इवनिंग में भी पीना होता है तो कुछ दिन ट्राई करने के बाद मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी कि भाई मेरे नाल की हुई बीती है यार कुछ दिन से ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता नाश्ता करने का पता नहीं क्यों अजीब सा दिल हुआ पड़ा होता है नाश्ते के टाइम पे मेरा और यार नाश्ता आप स्किप भी नहीं कर सकते तो बस फिर मैं ना क्या करती हूँ कि फ्रोजन पराठा खा लेती हूँ चाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बस जी नाश्ते से फारिक होने के बाद वही पांडे ठीकर सफाइया थे कमरे थे रजाइया थे बिस्तर बस वही सब चीजें रह जाती हैं यार आज कोई बर्तनों की भरमार थी मुझे ऐसा लगता है कि सारे महल्ले के बर्तन भी आज हमारे घर पर ही थे तो बस फिर मेरी बहन ने कहा कि मट्टी पाओ कट्टा पाओ हर चीज से ना बर्तना पाओ जी डिश वॉशर से तो बस फिर हम लोगों ने डिश वॉशर में अच्छे तरीके से बर्तन रखे यार मुझे डिश वॉशर इतना कोई पर्सली पसंद नहीं और यार उसकी वजह यह है की पहले आपको बर्तनों को रेंस करना पड़ता है और फिर रिंस करने के बाद आपने डिश वॉशर लगाने हैं तो जितनी देर आपने रिंस करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है उन्नी देर से चिराफत नो सकते हो लेकिन चलो कोई नहीं कभी कभी मशीनरी को भी यूज करना चाहिए कि कितने लाग जो अनु जी हल्की फुल्की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी रूम में और आज ही मैं आप सबको फिर अपने साथ फ्री प्रोग्राम पे लेके जा रही हूँ ढेर सारी शॉपिंग और ग्रोसरी करेंगे तो आप सब ने सब्लॉग्स के बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे मैं अपने कपड़ों को कुछ झलक दिखा रही हूँ यार ये मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है एथनिक से और अभी तक मैंने पहना नहीं है इसको लेकिन आई एम वेटिंग डेस्परेटली कि मैं कब इसको पहनूं मेरी नजर पड़ी जी इस हसी जोड़े पे यार ये हसीन हो ना हो जिस बंदे ने मुझे दिया नहीं वो बहुत ही हसीन है पाकिस्तान में जो मेरी आखिरी ईद थी ना उस पर मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था इसलिए इस जोड़े से ना मुझे बहुत ही खास किस्म का लगा हुआ है यार मैं बाहर जा रही थी तो आज मेरा कोई विलैती पेंटा पुंटा पहनता दिल नहीं सि कर रहा तो मैंने निकाला जी एक बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा फिर जी ऐसी की स्त्री क्योंकि बी स्त्री किए बगैर तो हम कपड़े पहन नहीं सकते बेई आपकी बहन ने ड्रेस डिटेल की वीडियो भी शूट करनी थी जो कि मैंने कर भी दिया और मैंने पोस्ट भी कर दिया तो यार ये बहुत ही खूबसूरत थ्री पीस ड्रेस है और यार मुझे कपड़े सारे बहुत अच्छे लगते हैं लाइक कोई ऐसा सूट नहीं होगा मेरे पास जो मैं कूँ की मुझे बुरा लगता है बहुत सारे लोग मुझसे यार पूछ रहे थे टिकटॉक पे भी जब मैंने ड्रेस डिटेल की वीडियो पोस्ट की आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया तो यार ये मैंने ड्रेस एक लोकल मार्केट से लिया और इसको मैंने स्टिच करवाया था दर्जी से और ये वाली जो कुशीदा कारियां ना मेरी हैं फुमन चुमन लाने वाले जो शौक है ना चाय ओवर होने वाले है मेरे ही ने तो खैर जी ये था मेरा ड्रेस और मैंने जो है ना वो सारी एसेसरीज भी इसके ऊपर ही रख दी थी और फिर आपकी बहन रेडी शेडी होकर गई थी मैंने बहुत ही प्यारी सी ये झुमकियां पहनी थी अगेन मैंने पाकिस्तान की एक लोकल मार्केट से खरीदी थी अगर आपको रावल पिंडी के राजा बाजार का पता ना तो यार मैं वहाँ की फैन हूँ वहां से आपको बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाती है फिर आपकी बहन के साथ कुछ हुआ यूं कि यार मैंने एक चप्पल निकाली है मेरी टिकटॉक फैमिली जो है ना वो ड्रेस डिटेल वाली जो वीडियो देखेगी ना तो समझ आ जाएगी जब मैं ड्रेस डिटेल की वीडियो शूट करी थी ना तो उसमें मैंने ना चप्पल निकाल के रखी थी अब जब मैंने चप्पल पहनी ना तो आई जस्ट थिंकिंग यार नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा कुछ कमी है <laughs> मैंने निकाला कि यार खुसा निकाल के देखती हूँ क्या बता अच्छी लगने लगता हूँ जब मैंने खुसा पहना ना तो भाई अंदर ठहर गया सी <laughs> तो भाई ये थी एक छोटी सी स्टोरी चप्पल से खुस्से की तरफ शिफ्ट होने खैर भाई यहाँ पे मेरा छोटू मास्टर जो है ना वो रेडी शेडी होकर बगी में बैठ गया था और यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो है ना वो एक दूसरे के साथ थोड़ी लाडियां शाडिया कर रहे हैं निकलने से पहले यहाँ पे ना भाई आप सब ने मौसम को अच्छे तरीके से नोट कर लेना क्योंकि हम घर से निकले तो इतनी कोई शदीद किस्म की धूप थी ऐसे वास्ते ऐसी लॉन काट ली का छू कि चलो यार लॉन पा के जाने यहाँ क्योंकि भाई गर्मी है बाहर लेकिन भाई होता है वही है जो अल्लाह को मंजूर हो है, हैं लेकिन आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था तो खैर भाई फिर आगे जी हमारी बस और बस में आज को इतना शदीद किस्म का राश्ता है यहाँ पे देखें कितनी लंबी क्यू लगी हुई है बस में जाने के लिए सिर्फ और यार एक और मजे की बात मुझे यहाँ से याद आई है कि मैं मोस्टली ना वर्ड यूज करती हूँ धुपो तो या प्यासी भांडे पांडे या प्यासी तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ये तो कोई वर्ड्स नहीं होते आहो भाई मैंने पता है कि ये कोई वर्ड्स नहीं होते लेकिन यार जब मैंने किसी चीज पे बहुत ज्यादा इंफिसाइज करना होता है या किसी चीज की मैंने क्वांटिटी बतानी होती है कि वो बहुत ज्यादा थी तो फिर मैं कह देती हूँ पांडे हो पांडे हो, हो पे मतलब बहुत ही ज्यादा थे या मैं कह देती हूँ कि तुप हो तुप हो या पे इसका मतलब था कि भाई धूप बहुत ही ज्यादा थी तो यार समझ जाया करो किसी लोग की ए यार हम लोग गए थे जी मार्केट और मार्केट पहुंच के मैं सबसे पहले गई जी सुपर ड्रा क्यू की यार मुझे शुद्ध किस्म का ऑब्सेशन हुआ हुआ है मेबलीन की विनाइल इंक लिपस्टिक के साथ बहुत वीडियोज में मैंने ये यूज होते देखी थी पहले मैंने एक खरीदी के यार ट्राई करके देखती हूँ अनु ट्राई करने तो बाद दूसरी लाइन तो अपने आपने रोक नहीं सकी यार इतनी कोई खूबसूरत फिनिशिंग है ना इसकी है मैट बट इट विल गिव यू ग्लॉसी फिनिश ना कोई प्यारा टेक्सचर है इसका इतनी स्मूथली अप्लाई होती है कि मैं तो दस नहीं सकती तो एक बार मेरे कहने लो तो थी वाह 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 हो जाती है तो उन तो मौसम तो यार इतना कोई अनप्रडिक्टेबल मौसम है की जब हम सुपर ड्रग से बाहर निकले तो बारिशों बारिश होया पे पूरा इलाका खैर यार बारिश से बचने के लिए हम लोग जेडी स्पोर्ट्स में आ गए तो मेरी बहन का इरादा बन गया की चल मेरे भांजे के लिए जो है ना वो ट्रेनर ले लेते हैं और यार यहाँ पे ना कोई मस्त किस्म की सेल चल रही थी सेक्शन में मुझे ये वाले ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे थे इनका कलर भी बहुत प्यारा था और ये बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट भी थे और कंफर्टेबल भी थे यार आप सारे जो है ना वो ट्रेनर्स का व्यू देखे मैं ग्रीन टी पी के आई हुने गई थे हुने आई <laughs> जी तो बस जी जेरी स्पोर्ट्स से निकलने के बाद हम लोग गए जी एक ग्रोसरी स्टोर में वहां से मेरी बहन ने लिए जी कुछ क्रिस्प वगैरह और मेरे भाजों के लिए भी और कुछ जरूरत का सामान यार ये चीज़ ना मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जो कि है सेल्फ स्कैन की कि यार अगर टेल्स पे बहुत ज्यादा रश है तो आप सेल्फ स्कैन करो एंड गुड टू गो मतलब आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई इतनी क्यों लगी है तो आप पहले जो है ना वो जाओगे पाकिस्तान में ये चीज अवेलेबल नहीं है अभी लेकिन ये होनी चाहिए बड़ा फायदा हो जाता है इससे भी खैर जी उसके बाद हम लोग चले गए जी प्राइमार्क क्योंकि प्राइमार्क पे सेल चल रही थी यार जिनको नहीं पता मैं फिर बता देती हूँ कि बड़ी कोई जबरदस्त सेल चल रही है प्राइमर पे भी मेरा जो छोटा भांजा है जिसको मैं छोटू मास्टर कहती हूँ वो अब लाइक काफी टाइम से वॉक करता है लेकिन जूते कम पहनता था लेकिन अब उसको ना शूज पहनने की आदत आप ही डाल रही है तो आ, सीन ये था कि कि आप ही ने कहा इसके लिए डिफरेंट शूज ले, ले लेते हैं जो कंफर्टेबल भी हो और ये पहन भी सके मैंने सोचा कि भाई ये बोरिंग शॉपिंग तो तुम खुद ही जाकर करो और मैंने कुछ मेकअप और कुछ जूते वगैरह देख लिए और कुछ चीजें खरीद भी ली एक परफ्यूम भी खरीदा मैंने यार इस परफ्यूम की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी और इसकी प्राइस उतनी ज्यादा कम थी और कुछ सेल की वजह से भी इसकी प्राइस कम होगी थी तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्राइमा की सेल विजिट नहीं की ना तो जरूर जाके भाई सेल विजिट कर लें यार यार सब कुछ खरीद खराद के ना हम लोग आ गए थे जी कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि भाई खाए पिए बगैर तो साढ़ा गुजारा ही नहीं ना, है ना भो सी सारे यार ये ना एक शॉप है हमारे इलाके में जो कि जहाँ पे आपको ना हलाल पिज्जा मिल जाते हैं लाइक आप चिकन पिज्जा खा सकते हो अदरवाइज़ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होती लाइक हम सिर्फ वेजिटेबल थिंग की तरफ जा सकते हैं यार, यार पेट पूजा करने के बाद जी मेरी बहन कहती है कि उन जैस काम वास्ते आए यार ना चुप कार के उकार लो क्योंकि यार मुझे और मेरे बच्चों को मतलब मेरे भाजों को ग्रोसरी करना ना दुनिया का मुश्किल तरीन और गंदा तरीन काम लगता है मुझे नहीं पसंद यार पता नहीं क्यों है जी फिर हम लोग टेस्को की तरफ चले गए और ये देखें आप लेफ्ट के पास क्यों चेक करें कि हमें थर्ड टाइम में हमारी बारी आई थी कि हम लोग लेफ्ट में जा सकते हैं क्योंकि यार हम लोग स्टेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास बगी थी तो इस वजह से पर हम लोग लेफ्ट में आए थे और ये जी आप डेस्को के भी कुछ मुनाजिर शुनाजे देख लें कसम से मेरा दिल चाह रहा था मैं राइट साइड पे ना भागती भागती जाऊँ क्योंकि वहाँ पे कपड़े लगे हुए थे लेकिन मेरी बहन ने कहा भाई तो चुप पकड़ के ना जरा काम कर आंगे कर तो निकल दियो यार सबसे पहले हमने लिया जी बोनलेस टिकन और उसके बाद हमने लिया जी केक रस क्योंकि चाय के साथ ना मैं और मेरी बहन ही सबसे ज्यादा केक रस खाते हैं <laughs> तो यार हमारे घर में लोबिया खत्म हुआ था तो मेरी बहन ने कहा भाई रेड किडनी बीन्स भी रख लो फिर जी उसके बाद मेरी बहन को चाहिए था ये करी पाउडर तो उसने कहा ऐ भी पा ला वेच और फिर कसम से भाग भाग के और चीज़ें रख रख के ना मेरी तो बस हो गई थी तो मैंने कहा उन्होंने पानी भी पिला दो और अब आप ये देखें कि पहले बारिश हो चुकी है और उसके बाद जब हम टेस्को से निकले तो यार यार इतने कोई काले किस्म के बादल थे और बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते हम आते गीले हो गए थे क्योंकि अभी तेज किस्म की बारिश शुरू हो चुकी थी कसम से यार और इतनी कोई ठंडी हवा चल रही थी ना कि मुझे और आपी को तो ना हमारे तो वो रोंगटे खड़े हो रहे थे और मैं आप ही कोई कहती कि यार ये कैसा मौसम है मतलब सुबह में धूप दोपहर में बारिश फिर धूप फिर बारिश मतलब ऐसे ही चलता रहता है यार ग्रॉसरी करना ना मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि घर आके ना आपको इतनी सारी ग्रॉसरी समेटनी पड़ती है जो कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक और बोरिंग काम है जी घर आके डिनर बनाया डिनर किया डिश वॉशर में बर्तन लगाए और अगर वो सब दिखाती हूँ तो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता है होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिएगा जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हमें याद रखिएगा टेक केयर हाफिज